मैम आगे के डायलॉग क्यों नहीं बोल रही? पता नहीं, पूरा प्ले खराब हो जाएगा। कहीं नहीं, सरीमा मैम को प्रॉम्प्ट कर दो ना प्लीज, जल्दी से प्लीज। मैं प्लीज भाई नहीं, आज मैं यहाँ आपके समक्ष खड़ी हूँ। ये वरमाला आपको पहनाना मेरा परम सौभाग्य है। मेरा हृदय ये सोच के प्रफुल्लित हो रहा है कि आपने मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मैं सदैव आपके आभारी रहूंगी। आपके जैसे वीर, उदार और दयावान पुरुष की पत्नी बनना किसी स्वप्न के सच होने के समान है। मैंने महिलाओं के सम्मान के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता, आपके मन में माता कौशल्या के प्रति सम्मान से लेके माता अहिल्या की रक्षा और अपनी बहन शांता के प्रति आपकी श्रद्धा को देखा। निर्बलों की रक्षा के लिए आपने जो पराक्रम दिखाया है उसके समक्ष बड़े से बड़ा योद्धा भी विफल है। आपने ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए दैत्य और राक्षसों का विनाश किया है। आप अपनी शक्ति, अपने बल का उपयोग न्याय सुनिश्चित करने के लिए करते हैं, किंतु जो बात आपको वास्तव में सबसे भिन्न और सबसे विशेष बनाती है राघव, वो है अपने वचन के प्रति आपकी निष्ठा। आप अपने वचन को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देते हैं। मैं धन्य हूं एक ऐसे पुरुष की पत्नी होकर जिन्हें अपनी वंश की प्रतिष्ठा, अपने सम्मान से अधिक चिंता एक स्त्री के सम्मान और प्रतिष्ठा की हो। मैं धन्य हूँ कि आज एक ऐसे पुरुष के समक्ष हूँ जिन्हें अपने प्रसाद को सिद्ध करने हेतु किसी स्त्री को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जो ये समझते हैं कि स्त्री के सम्मान में मानवता का सम्मान निश्चित है। आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करना मेरा सौभाग्य है राघव। मैं आप में अच्छाई का प्रतीक दिखती हूँ और वचन देती हूँ अंतकाल तक आपके प्रिय मूल्यों को संजो के रखते हुए सदैव आपके साथ खड़ी रहूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।